Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। घर में क्या चल रहा है और ये तुम क्या कर रहे हो? क्या हुआ तुम्हें? घर के सारे लोग उस विश्वास राव के पीछे हाथ धो के पड़े हैं, उसको घर से बाहर निकालने के पीछे पड़े हैं, उसके साथ भी कुछ करके रहेंगे। उस छाया की शादी करवाने में इसने पहल की है ना, अब उसी के माथे फूटेगा सब। विश्वास राव आम आदमी नहीं है, पुलिस वाला है, किसी के हाथ में हथकड़ी जरूर डालेगा। देखते हैं अब किसके हाथ में हथकड़ी लगती है और किसकी जान जाती है। कुछ सबूत हाथ लगे हैं, इसलिए अब ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। आप फिक्र मत कीजिए, कुछ ही दिनों में नेने वकील का खूनी आपके सामने होगा। हाँ, मैं आपको वचन देता हूं, आपको इंसाफ मिलेगा। मैं आपसे बाद में बात करता हूं। ओके। नेने काका की वाइफ का ही फोन था ना? पता होने के बावजूद भी ये पूछना अजीब है। और झूठ बोलना वो कितना सही है? सही कहा, कभी कभी जरूरी भी है। पर उसकी वजह से दूसरों को तकलीफ होती होगी तो? दूसरों को तकलीफ ना हो इसलिए मुझे मेरी ड्यूटी करना जरूरी है। तुम्हारी ड्यूटी में कानून तोड़ने की इजाजत है? कानून की रक्षा करने के लिए काम करते हैं हम। रुको विश्वास राव, मुझे बात करनी है तुमसे, वो भी सबके सामने। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या यहाँ बात करनी है या अंदर? माधव। अच्छा तो यहीं बात करनी है। दत्ता भैया, अभिराम। क्या हुआ भाभी? बात करनी है ना विश्वास राव से। तुम भी रुको यहाँ। सुनो, अरे अभिराम अकेले क्यों आए हो? देविका को भी बुलाओ, उन्हें भी बुलाना चाहिए, भाभी को सबके सामने बात करनी है ना। सरिता भाभी आई को भी बुलाइए। देविका, देविका। नीलिमा भाभी, छाया भी आ गई। आइए, आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए। बोलिए नीलिमा भाभी, पूछिए आपको क्या पूछना है। विश्वास राव, तुमने हमें बताया कि हमें हमारे घर से बाहर नहीं जाना है, लेकिन नीलिमा ने अपने एक एडवोकेट दोस्त से बात की और उसने आपको ये बताया कि मैं आपको ऐसे रोक नहीं सकता, है ना? कल रात हम इस पर बात कर चुके हैं, am I right? हाँ, पर मुझे ये सब इन सबके सामने क्लियर करना है। इस तरह झूठ क्यों बोला? कोई तो कारण होगा ना? तो फिर वो कारण बताना था ना? अगर वो कारण सही होता तो हम भी रुकने के लिए तैयार हो जाते, पर ऐसे झूठ बोलना? झूठ बोलना जरूरत हो सकती है, मजबूरी हो सकती है, पर झूठ क्यों बोला? पहले इस घर में आए वो अभिराम की शादी का कारण बताकर, और तुम पुलिस वाले हो ये भी हमसे छिपा कर रखा, और उसके बाद क्या, घर में सोने का हंडा मिला है ऐसी खबर पेपर में छपवाई। नहीं, मैं सच में छपवा सकता था, न
नाइक के बाड़े के तलघर में हड्डियों के ढांचे मिले हैं। उसके बाद क्या होता ये आप अच्छे से जानते हैं दत्ता भैया। दत्ता भैया मैंने झूठ बोला, पर इसके पीछे भी एक वजह है। इनफैक्ट हर कोई हर एक को सच बोलता है, ऐसा तो नहीं है ना? ऐसी बात नहीं है विश्वास राव, पर जब से तुम यहाँ आए हो घर का पुलिस स्टेशन बन गया है। दिन रात जांच पड़ताल पूछताछ, हमने ऐसा क्या किया है? विश्वास राव, हाथ जोड़ती हूँ मैं तुझे। क्या किया है मेरे बेटों ने? तू इतने दिन इस घर में रहा, तुझे लगता है मेरे बेटों ने नैने भाऊजी का खून किया होगा? हाँ, अब दत्ता का जरा गुस्सा था नैने भाऊजी पर। उसके हिस्से में वो बंजर जमीन आई थी, इसलिए नाराज है वो। उसके हिस्से में कुछ आया नहीं, इसलिए गुस्सा होता है। फिर भी वो नैने भाऊजी का खून नहीं कर सकता। जरा इस माधव की तरफ देख। अरे मुंबई से आया है वो, उसको मुंबई में काम है। नीलिमा को भी काम है, पर तेरे कहने पर वो दोनों यहाँ रुक गए। अब उनका यहाँ क्या काम है बता ना। अब ये अभिराम तेरा दोस्त ही है ना? अरे अभी अभी उसकी शादी हुई है, उसको उसकी गृहस्थी शुरू करनी है, परीक्षा देनी है, पर वो फंस गया है ना। अरे हमसे ऐसा क्यों बर्ताव कर रहा है? हाथ जोड़ती हूँ मैं। आई, हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं, प्लीज। मैं सिर्फ मेरा काम कर रहा हूं। मैं किसी पर पर्सनली गुस्सा नहीं हूं और ना ही मैं किसी को टारगेट कर रहा हूं। पर शक की सुई सभी पर है, इसलिए मैं किसी को भी नहीं छोड़ सकता। फिर चाहे वो जो भी हो, मैं विश्वास की बात से सहमत हूं। वो बगैर कारण के कुछ नहीं करेगा ना। भाभी आपने सबके सामने पूछा ना, इसलिए सबके सामने बताता हूं। मैं इस बाड़े में अभिराम की शादी के लिए आया था, फिर भी मैं एक पुलिस के नाते मैं यहां नहीं रह सकता। करेक्ट, एकदम करेक्ट। पर फिर भी मैं यहां रहता हूं। क्यों? इस बाड़े के लोग सेफ नहीं है। नैने वकील का खून हुआ है और भी किसी का खून हो सकता है। मैं मानता हूं कि पुलिस स्टेशन में रुककर भी मैं अपना काम कर सकता हूं, पर फिर भी मैं यहां रहता हूं। और इस बाड़े में जो हो रहा है उसका भी तो पता लगाना है, है कि नहीं? सो उसी रीजन से मैं यहां रहता हूं। अब रहा सवाल नीलिमा भाभी का, मैंने उन्हें यहां क्यों रुका के रखा है? अर्चिस, हाँ, यहां आओ। आओ यहां आओ। इसे भी तो पता होना चाहिए मैंने आपको मुंबई क्यों जाने नहीं दिया। इसका कारण देखो, फोटो। किसका फ्लैट है? ये तो हमारा मुंबई का फ्लैट है। हाँ दिखाओ, मम्मी को दिखाओ। मम्मा ये फोटो हमारे फ्लैट का, पर ये ऐसा? बताता हूं, सब बताता हूं।
इनके मुंबई के फ्लैट पर पुलिस की निगरानी थी। एक दिन उस घर Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।